अगर इसको भगाया जाए तो मुश्किल आ रही है। बट भाई जो आज मैं अमेज हुआ हूँ इस बाइक से, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि भाई कभी रॉयल एनफील्ड इतनी इम्प्रूव करेगी अपनी बाइक में, वो ऐसे वो हो जाएंगे इधर से ऐसे। एक्सेसरी बहुत, एक्सेसरी तो इसकी जाना की है, कंपनी से इतना खास कुछ नहीं है। तो अभी भाई छोटा करना चाहता थोड़ा एक्सपीरियंस 390 का कि भागती कितनी है, क्योंकि अभी तक उसको लग रहा है कि हिमालयन जीत जाएगी, 390 से हिमालयन जीत सकती है, पर जहाँ तक मुझे लगता है इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट भाई साहब ये भी भागती है और निकर भागती है यार। भाई साहब ये क्या कर दिया भाई, ये क्या कर दिया आपने रॉयल एनफील्ड ने कुछ खतरनाक ही बना दिया भाई इसको, तो दूसरी हिमालयन से तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। हाँ नज़र लेवल है यार, एंचर्ड भागती है भाई साहब सच्ची यार। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं पुरानी वाली सोच के भगा रहा था। अब ये अच्छी खासी भाग रही है, ऐसा नहीं है कि स्लो नहीं कह सकते, बट ये कि KTM के हिसाब से तो कम है, बट अपने RE के हिसाब से तो नेक्स्ट लेवल है भाई। अभी खुलना बाकी है भाई साहब, भागती है यार छोटे। छोटे थर्ड गियर चल, नहीं यार भाई साहब बहुत खतरनाक भाई यार। अच्छा है यार कसम से, मैंने इतना सोचा नहीं था, मतलब मैंने रॉयल इनफील्ड पे कभी इतना भरोसा नहीं किया। मैं काफ़ी पुराना रॉयल इनफील्ड यूज़र हूँ, थंडरबर्ड वगैरह मैंने काफ़ी रखा हुआ था, मतलब स्टैंडर्ड थंडरबर्ड, हिमालयन भी मैंने काफ़ी चलाया हुआ है। एक्चुअली हिमालयन मेरे पास पड़ा होता था मेरे फ्रेंड का, वाइट कलर का, तो मैंने देखा था, बट इतना पिकअप नहीं, क्योंकि मैंने हिमालयन इतना जब चलाया वो वाला उसका इतना पिकअप नहीं। बट भाई ये तो हिमालयन है ही नहीं, ये कुछ नेक्स्ट लेवल ही चीज़ बनी हुई है और ये नेक्स्ट लेवल ही भाग रही है। तो अभी छोटा कह रहा है कि मैं चलाऊंगा अपने वाला, आप चलाओ ये वाला, तो जिससे कि एक पता चल जाएगा, क्योंकि हम दोनों ने वो वाली बाइक चलाई हुई अपनी अपनी। हाँ अब बहुत भागती है भाई, बहुत ज़्यादा भागती है, अभी खुली नहीं है बट स्टिल इतना भाग रही है। कैसी लगी वो
तो भाई अभी उसका इसके लिए तो इतना कहना है भाई, उसके बाद अपनी वाली लाइट लग रही है काफ़ी, मेरी वाली बाइक मुझे काफ़ी लाइट लग रही है उसको चलाने के बाद, ऐसे मतलब लाइट लाइट फील हो रहा है काफ़ी। अब उससे पूछेंगे कि उसको मैं अब इसके बाद जाने उस पर कैसा लग रहा है, बट मुझे ये काफ़ी लाइट लग रही है हिमालयन। भाई हिमालयन आगे निकल चुकी है, बट ये है कि भाई साहब हिमालयन गिविंग अस प्रूफ, भाग रही है गाड़ी वो। अगर इसको भगाया जाए तो मुश्किल आ रही है। नहीं मानती भाई, नहीं मानती, हिमालयन जीत गई भाई। मैंने बिल्कुल किसी उस पर छोड़ा नहीं गाड़ी मेरी को, बट भाई ऑन अदर हैंड हिमालयन काफी ज्यादा भाग रही है। नहीं मानती भाई, हिमालयन सच भाई सच कह रहा था, 450 सीसी इस बार लग रहा है कि 450 है, इतनी पावर दी है उन्होंने। इसमें इस बार भाई हिमालयन है, पावरफुल है भाई। तो अगर आप अब जो लास्ट एक मेरी चीज़ थी कि हिमालयन ये चीज़ कर दे, तो ये चीज़ हिमालयन ने कर दी है भाई। इनफ पावर, बहुत ज़्यादा पावर है गाड़ी में, और ये तो भाई ख़तरनाक वाला लेवल पहुंच गया है। अगर ये KTM तक को कम्पीट कर पा रही है रेस में, तो फिर तो है गो फॉर अ सेल है भाई। अब इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक डेडली रेस वाला कॉम्बिनेशन और विद पावर और मतलब इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरनेस के साथ, तो ऑब्वियस भाई हिमालयन, और इतनी स्मूथ हैंडलिंग है उस बाइक की, मतलब इसमें और उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। भागने के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं इसको ठीक ठाक तरीके से भगाया जाए तो सेम सिमिलर है, ख़तरनाक कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंट लेवल नहीं है, बट अगर देखा जाए तो हिमालयन इज़ अ गो बाइक भाई। और अगर आप कहो कि सर्विस वगैरह के मामले में, तो भी हिमालयन काफ़ी ज़्यादा आ गया, क्योंकि आपको KTM के चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। सर्विस स्टेशन KTM के सर्विस स्टेशन से ही आपको मिल सकती हैं, और भाई सर्विस का भी इनका बहुत मतलब ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है। क्या चक्कर है कि आपको सामान जो है वो आपको जब भी आप लोगे किसी KTM से, तो आपको वहीं से लगवाना भी पड़ेगा, वो आपको वो ऐसे नहीं देंगे, और फिर जो उनके लेबर चार्जेस ऐड होते हैं भाई, वो तो बहुत ही ख़तरनाक। और इसका ये फ़ायदा रहेगा आपको कि हिमालयन का सामान आपको मिल जाएगा, मेनली आपको रॉयल इनफील्ड का सामान कहीं पे भी मिल जाता है, वो आपको बहुत फ़ायदा है। और वही चीज़ में मतलब हिमालयन जीत जाती है। बाकी आपको स्पेक्स में अभी आपको छोटा बताएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस लगा। भाई पहले मैं ये चला रहा था, तो भाई वो चला रहा था, भाई आपको कैसा लगा KTM का मतलब भागने में तो सही है ना? हाँ, बाकी ये है कि मेरी बाइक काफ़ी देर से बंद पड़ी हुई थी एक ही जगह पे, तो उसका कुछ कोन सेट का कुछ पंगा बन गया, हैंडल एक साइड खींच रहा है बड़ा, अलाइनमेंट उसकी कुछ ख़राब हो गई हुई है, बट भाई जो आज मैं अमेज हुआ हूँ इस बाइक से, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि भाई कभी रॉयल एनफील्ड इतनी इम्प्रूव करेगी अपनी बाइकों को, कि वो ऐसे गो हो जाएंगी एकदम से, ऐसे इतनी तेज़ भागी भाई बड़ी।
अभी ये इसकी हाँ इंजन स्ट्रीट रेसर में आ जाए 150 या 160 केजी वेट में, भाई साहब नजारे बच जाएंगे यार। है भाई ये बहुत बहुत भाई बहुत एक्सट्रीम पावर, और भाई मज़ा आ गया, सीरियसली चला के मज़ा आ गया। और इसके बाद जब मैंने उस पर स्विच किया तो ये ऐसे लग रहा था मैं कोई हल्क चला रहा हूँ, कोई बड़ी पावरफुल बाइक चला रहा हूँ, और उसके बाद वो ऐसे लग रहा था बिल्कुल लाइट सी बाइक है, साइकिल सी, बट वो फिर दिखा देती है कि बस वो खींच रही है, बस क्योंकि खींच ऐसे रही है एकदम से ऐसे गो, बट ये है कि ये ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं किसी खतरनाक चीज़ पर बैठा हूँ और वो खींच रही है, वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई साइकिल है, छोटा सा साइकिल है उस पर बैठा हूँ, क्योंकि उसकी टैंक काफ़ी ज़्यादा स्लिम, इसकी टैंक काफ़ी बल्कि, बहुत अच्छी बाइक भाई, ऊंचा भी फील होता है इस पे काफ़ी, क्योंकि ऊंची बाइक है काफ़ी, और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी ज़्यादा है, तो भाई मस्ट गो है। अब तो मैं सोच रहा हूँ, कंट्रोल भी बड़ा अच्छा है, अब तो मैं भाई सोच में आ गया वापस से, क्योंकि इससे पहले जो मैंने रिव्यू सुने कोई कोई लोग कह रहे थे नहीं यार वैसी ही है जैसी हिमालयन 411 है, बट भाई बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में, कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे है कि भाई वो टिपिकल, हाँ वो टिपिकल रॉयल एनफील्ड है, जैसे भागती नहीं है, वही ज़मीन आसमान है भाई, वो सच्ची ज़मीन है, ये आसमान से भी ऊपर जा रहा है, ये बड़ा तेज़ भागा भाई, और बहुत अच्छी, मतलब इसके जो फीचर वाइज आप लगा लो, और उससे सस्ती है, वो टच हुआ मेरे ख्याल से 158, उसके अलावा मैंने टच नहीं किया, हाँ ये 150 से ऊपर गया ही नहीं, हाँ वो 158 टच हुआ, जब मैं बड़ा पीछे रह गया ना उसके, उसका कुछ लैग हो रहा है, और चक्कर पता है KTM का मुझे वही चीज़ पसंद नहीं है, उसकी सर्विस के लिए जो बंदे यहाँ पे हैं वो इतने अच्छे नहीं है, बट बाइक इतनी तगड़ी है, बट अब उसमें कुछ हैंडल में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मीटर में भी कुछ इशू आ रहा है कि कुछ वो दिखाता है फ्यूल होता है तब भी दिखाता है नो फ्यूल, कुछ उसको पंगा हो गया है, तो काफ़ी देर हुई है, वायरिंग में भी कोई इशू है, हाँ तो इसको दिखाना पड़ेगा एक बार सर्विस सेंटर, उसके बाद देखते हैं, बट स्टिल जो मैं हूँ अमेज हूँ काफ़ी ज़्यादा इस बाइक से, हिमालयन इज सच अ बीस्ट मैन, बड़ी अच्छी बाइक है, तो बिल्कुल अब मैं अगर ये कहीं बिक गई तो मैं ले लूँगा हिमालयन क्लब में ज्वाइन हो जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे जो चीज़ का होता था कि यार भागेगी नहीं हिमालयन रखी हुई है मेरी, हिमालयन भागेगी नहीं, बट अब ऐसा नहीं है, अब हिमालयन रखी हुई है हिमालयन भी भागेगी, फन है, बड़ी अच्छी भाग रही है भाई, जैसे मैंने इसको अपने आगे निकलते हुए देखा ना मैंने सोच लिया एक मिनट के लिए कि हाँ अब तो भाग रही है भाई, क्योंकि सच्ची यार भाग रही है इसका, चलो मेरी वाली का अभी कंट्रोल थोड़ा है कम, बट ये है कि 5 से 7 हज़ार RPM के बीच में था, नाउ लास्ट है 5 से 7 में इसने क्रॉस किया था, इसको देख रहा था RPM पूरा, नहीं नहीं भागती है यार ये, अगर मैं इसका हैंडल थोड़ा ठीक भी करवा लूँ सिमिलर रहेंगी दोनों, ऐसा नहीं है कि KTM जीत जाएगी, जीत नहीं पाएगी, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ, एक साथ रह पाएंगी, जीत नहीं पाएंगी, तो भाई अगर एक साथ ही रहना तो मैं कहता हूँ कि क्यों आप 4.5 लाख रुपए या 4.30 खर्च के ये लो जिसकी आपको अच्छे से सर्विस नहीं मिलेगी, और अगर आप कहीं हाँ सर्विस पॉइंट हर जगह, ये अगर आप लेके गए जैसे मैं क्लच रेस वायर पंचर किट और भी थोड़ी बहुत जो जरूरी सामान है वो साथ में लेके जाता हूँ किसी राइड पे, क्योंकि मुझे पता है कहीं से मिलेगा नहीं, मेरे ख्याल से इसकी सर्विस 10,000 किलोमीटर हाँ, होती है, हाँ जी उसका भी यही हिसाब है, सर्विस का तो दोनों का सिमिलर है, हाँ ऑयल चेंज होगा उसके बाद 10,000 पे सर्विस होगी, सर्विस माइनर सर्विसेज होंगी, वो मेरा भी उसका सेम है, बस इसका मुझे ये लगता प्लस पॉइंट कि इसकी यार एक्सटेंडेड वारंटी का बड़ा अच्छा सीन है, इसकी एक्सटेंडेड वारंटी है 5 साल की, उसमें मैंने इसके जैसे रियर शॉक 2 बार चेंज करवा दिया, ठीक है तो उसका है कि इसका एक्सटेंडेड वारंटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं जो कि वेयर एंड टेयर में भी काफ़ी ज़्यादा जाती हैं, वो वाली बड़ी अच्छी चीज़ है, तो मुझे अभी उसका उतना नॉलेज नहीं है, बट भाई अगर वो रॉयल एनफील्ड है और ऐसा कर रही है तो फिर तो मस्त है, अगर इतना अच्छा भाग रही है इतने अच्छे उसके प्लस पॉइंट हैं वो है, अभी लाइट का कह रहा था छोटा कि लाइट का उसका थोड़ा बहुत है कि लाइट उसका कम फोकस्ड है, इतनी ज़्यादा फोकस लाइट नहीं है, बट ये चीज़ में मैं इसको KTM को दे दूंगा, दो लग जाती हैं हाँ वो तो है वो इशू नहीं है, बट ये इसकी मेन हेडलाइट इसकी बहुत ज़्यादा लाइट है KTM की, उसकी कम है थोड़ी, एक्सेसरी बहुत, एक्सेसरी तो इसकी जाना की है कंपनी से इतना खास कुछ नहीं है, बाहर से हैंड गार्ड तो चलो आपको साथ ही मिल जाएंगे, उसके हैंड गार्ड्स आपको हाँ उसके हैंड गार्ड्स भी आपको लेने पड़ेंगे, उसका वो है तो इसका फ्रंट टायर बड़ा उससे, उसका रियर टायर दोनों टायर्स उससे बड़े हैं, इतना मैंने देख लिया, 21 है तो ये ऑब्वियस है सामने दिख रहा है, ये तो वैसे मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि नंबर पढ़ना पड़े, सामने दिख रहा है कि वो छोटा है ये बड़ा ही है तो टायर तो बड़ा है भाई, पुरानी हिमालयन का भी बड़ा उससे बट स्टिल अच्छी है, दोनों अच्छी हैं, और इसका ऑफ रोड पर्पस के लिए दोनों अच्छे हैं, देखा जाए जो भी ऑफ रोड पर्पस फुली प्रॉपर रैली वाला टाइप, इसको टायर डलाए हूँ, अगर पिछला टायर डलवाया हो वो मोटी मोटी गुड्डी वाला वो हाँ 150 वो डलाया हो तो, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार, सीट दे रही है कंपनी अच्छा, उसमें बहुत महंगे टायर आते हैं मेटजेलर,
अभी बंद कर दिया उन्होंने। 5000 का टायर होगा, 6000। हाँ अभी अभी, हाँ वो उसके जो टायर थे वो अराउंड 13,000 के थे। भी बहुत अच्छी, ये तो अच्छे हैं, है ना, अच्छे हैं, कंट्रोलिंग में पता लग गया मुझे टायर तो अच्छा है। ये भाई मैंने चेंज करवाया, ये MRF का, ये मैंने बाद में डलाया। इसमें मेटजेलर के टायर आते थे दोनों, और वो काफ़ी कॉस्टली थे, काफ़ी अच्छे टायर थे और काफ़ी कॉस्टली थे। 13,000 के मेरे ख्याल से टायर थे वो, और वो बड़े सही थे। बड़ा है वो 28,000 पे ख़त्म हुआ मेरे। अगर वो ऐसे चलाने पे 28,000 चल गए, अगर मैं नॉर्मल चलाता फिर तो वो बेचारे पता नहीं कब तक रहते, अच्छे चल जाते, बट ठीक है जो भी है। ये 60% जो है ऑन रोड है, 40% ऑफ़ जो हिमालयन में ना मिले। फीचर्स भी लोडेड है भाई, हर एक चीज है जो चाहिए वो हर एक चीज है। मेन होता है सर्विस का, वो भी है। सीधी सी बात है, उसमें वो दिया हुआ है अपना क्रूज कंट्रोल है, उसमें नहीं है क्रूज कंट्रोल, नहीं है इसमें भी नहीं है। वो क्विक शिफ्टर है, क्विक शिफ्टर है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने देख लिया भगा के। क्विक शिफ्टर इतना कोई मस्ट नहीं है। देखो एडवेंचर बाइक के लिए क्विक शिफ्टर हमें क्या करना है, इतना हमें चाहता है इसमें, बहुत है, बहुत है वैसे। नहीं नहीं अच्छा भाग रहा है, जो चीज मैंने देख ली वो बहुत खतरनाक है भाई। वो कैमरे में आपको भी दिख जाएगी क्या खतरनाक चीज है। बाकी भाई रिव्यू के मामले में यही कहूंगा कि अगर आपको एक थोड़े से कम बजट में बाइक चाहिए और आपको मतलब अच्छे से एडवेंचर करना है तो हिमालयन बेस्ट है। बट अगर आप KTM के फैन हैं और आपको चाहिए कि भाई क्विक भाग जाए, पंच ऐसे फन राइफ, मतलब एडवेंचर भी करना और स्पोर्ट्स राइडिंग भी करनी है, तो भाई हिमालय वो आपको KTM बेस्ट है। KTM आप ले सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है कि कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ है, इसमें जो आपको चाहिए वो हर एक चीज़ है, इसमें सारा मोड्स वगैरह सब कुछ है। मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, बेस्ट बाइक है ऐसा कह सकते हैं। बट हिमालयन भी बहुत ज़्यादा सही है, ये वाली 450 हिमालयन बेस्ट है। तो भाई यही था रिव्यू, बाकी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ लगे आप कुछ कमेंट में बता सकते हो कि कुछ ऐसा करें, कुछ आपको कोई ट्रेल वगैरह करके दिखाएं दोनों बाइक्स पे, तो भाई कमेंट डाउन बिलो, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, पैसे वैसे आएंगे भाई, फिर हम क्या पता ले लें 450। तो चलो भाई, थैंक यू।